How are you? I hope you're doing good. I'm Dr. Jay Madaan, और आज हम बात करेंगे आपके घर की. एक्चुअली कितनी अजीब बात है ना, हम जब घर के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, एक स्टोर से दूसरे स्टोर, दूसरे स्टोर से तीसरे स्टोर, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं और सडनली एक चीज़ हमको क्लिक करती है और हमको लगता है यार ये मेरे घर के इस कॉर्नर में अच्छी लगेगी, ऐसे ही चूज़ करते हैं ना हम. बिकॉज हाउस, आपका घर, आपका दफ्तर, जहाँ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, इज़ एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड ओनली. किसी का घर देखकर, उसकी पसंद की चीज़ें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसान कैसे सोचता होगा, इसको डार्क कलर्स पसंद हैं तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है. आप इंसान के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ, उसकी नेचर, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं अगर आप किसी की लिविंग स्पेस को ध्यान से देखें. कुछ चीज़ें जो आपके घर में होती हैं और कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, इस पर मैं डिस्कस करूँगी. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फोर सच थिंग्स. फ्लाइंग बर्ड्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स. आप फ्लाइंग बर्ड्स को अपने घर में ज़रूर रखें, ऐसे एरिया में रखें जिसमें यू कैन ईदर हैव सम चॉकलेट्स इन इट. आप फ्लाइंग बर्ड्स का पोस्टर लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं. फ्लाइंग बर्ड्स डिनोट ग्रोथ. ये एक्सप्रेस करता है दैट यू आर रेडी टू टेक ऑफ इन योर लाइफ. ये ग्रोथ की निशानी है. सिमिलरली द सेकेंड थिंग दैट आई वुड रिकमेंड इज अ बटरफ्लाई. आपके घर में अगर बटरफ्लाई हैं, कलरफुल बटरफ्लाइज हैं, चाहे पेंटिंग के फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में, ड्राइंग के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर रेडी टू हैव कलरफुल लाइफ. बटरफ्लाइज इन एनी फॉर्म रिफ्लेक्ट कलर. अचानक हम कहीं बैठे हों और हमको एक बटरफ्लाई दिख जाए, हमारी अटेंशन जाती है ना, बिकॉज ऑफ कलर्स, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ चर्पिनेस दिस, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ लाइफ इन देम, हम अट्रैक्ट होते हैं, हमारा अटेंशन जाता है. सिमिलरली आपकी लाइफ जब डल हो, बोरिंग हो, तो बटरफ्लाइज घर में ज़रूर होनी चाहिए. कम आई ऑल्सो शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग अपने घर में लाते हैं, रखते हैं, इस बुद्धा. सी द बुद्धा दैट आई हैव. बुद्धा इज बेसिकली हर एक भगवान की, हर एक सेंट की, एक एनलाइटेंड बींग की अपनी एक एनर्जी है. सो बुद्धा की जो एनर्जी है, बुद्धा इज अबाउट रिनंसिएशन एंड रियलाइजिंग, यू नो, इट गोज हैंड इन हैंड. जैसे गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी इज अबाउट वेल्थ, इंद्रदेव की एनर्जी इज अबाउट पावर, सब भगवानों की, गॉड्स की, गॉडेसेस की अपनी अपनी एनर्जी है ना. गुरु नानक देव जी की एनर्जी इज अबाउट नाम सिमरन, इट इज अबाउट सरेंडर, इट इज अबाउट लव टू द एटर्नल. सो जब आप बुद्धा लगाते हैं, मेक श्योर ही शुड बी प्लेस्ड ओनली इन नॉर्थ ईस्ट, तो आपके दिमाग को शांति देंगे, नहीं तो आपके अंदर वैराग्य भी ला सकते हैं. बट व्हेन आई हैव बुद्धा, आई ट्राई एंड बिहाइंड हिज पिक्चर, जैसे ये तो यू नो दिस इज समथिंग दैट आई गॉट इन विच देयर इज लव, देयर इज एलिमेंट्स, दिस इज फिलोसफी, यू नो दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई बुद्धा. सिमिलरली बुद्धा की पिक्चर और आइडल के पीछे यू मस्ट राइट वॉट इज योर गोल, सो दैट यू प्ले इट अप, इट वर्क्स ऑन योर माइंड इन द सिमिलर वे ओनली. जैसे बुद्धा के पीछे आप लिख सकते हैं दैट आई नीड पीस इन माई फैमिली, आई नीड हैप्पीनेस इन माई फैमिली, देर शुड बी मोर कामनेस इन द फैमिली. सो इस तरह से ऑलवेज राइट योर गोल, सो दैट इट्स नॉट अबाउट रिनंसिएशन, इट्स अबाउट फिलोसफी, इट इज अबाउट लव, वॉट इज इट ऑल अबाउट. दिस अनदर थिंग दैट यू कैन हैव इन योर होम इज स्वॉन्स. आपने देखा होगा इनको हंस भी कहा जाता है और माँ सरस्वती के साथ हंस को जोड़ा जाता है. सब फिलोसफिकली कहा जाता है कि एक हंस जो है वो दूध में से दूध निकाल लेता है और पानी छोड़ देता है. दैट मीन्स पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इनके पास शक्ति होती है कि हर सिचुएशन में से बेस्ट निकाल ले, और यही तो विजडम का काम होता है, यही तो माँ सरस्वती का रोल है हमारी लाइफ में. सो कीपिंग स्वॉन्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर होम ऑल्सो एक्सप्रेसेस कि आप अपने दिमाग में किसी भी कचरा थॉट को, नेगेटिव वाइब्रेशन को नहीं रहने देते. हर सिचुएशन में से यू टेक आउट द बेस्ट एंड लेट द रिमेन यू नो लेफ्ट आउट. सो दिस इज वॉट दीज एलिमेंट्स, दीज पिक्चर्स रिफ्लेक्ट इन योर होम. आई होप यू कैन यूटिलाइज इट. और ज़रूरी नहीं है आपको बहुत महंगे पीस ऑफ आर्ट और ये सब रखना है, आप गूगल से कलर प्रिंट आउट निकाल कर भी रख सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर योर होम इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड. जैसा घर है वैसी ही आपकी सोच है, इसीलिए समय समय पर हम अपने घर को चेंज करते हैं, हम अपने टेस्ट को अपग्रेड करते हैं, बिकॉज हमारा थिंकिंग पैटर्न भी बदल जाता है. आई होप यू हैव अ हैप्पी लाइफ एंड अ हैप्पी होम.